गुड मॉर्निंग, आज हमारा दुबई का लास्ट डे और दुबई का लास्ट ब्रेकफास्ट। तो मैंने बोला कि आज ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करूंगी और आई थिंक मुझे लगता है जाने के बाद ब्लॉग करूं या नहीं करूं, बिकॉज अब इतनी थक गई हूँ माइंड से भी और बॉडी से भी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, हर चीज़ में थोड़ी सी ब्रेक होनी चाहिए। तो फिलहाल तो अभी मैं ले रही हूँ इडली, स्पेशल मेरी मैंगलोरी इडली। एंड आज थोड़ा सा इंडियन खाने का मूड है, मुझे पराठा भी कर रहा है। थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें चेक करूँगी, टेस्ट करूँगी। एंड उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। आज है जुम्मा का दिन और यहाँ पे हाफ डे से ज़्यादा सारी चीज़ें बंद ही रहती है। तो मुझे लेना था मेरे दोस्तों के लिए चॉकलेट्स और गिफ्ट, तो अगर टाइम रहा तो ले पाऊँगी, बिकॉज अब मेरा फ्लाइट है और फ्लाइट में भी कुछ थोड़ा सा झोल हो गया, वो भी मैं आपको होटल जाके बताती हूँ। शुगर मिक्स कर रही हूँ, पहले बार इंडियन मिक्स की, फिर थोड़ा डाइट के लिए ब्राउन शुगर रखना पड़ता है ना ध्यान, नहीं तो फिर मोहताजी। चाहे बच्चे कितना भी प्यार करने वाले हो, कितना भी आपका केयर करने वाले आपके आसपास हो, पर आपको भी अपना ध्यान रखना चाहिए और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें ही हमें हमेशा अच्छे जीना और अच्छा खुश रहना सिखाती हैं। तो मैसेज समझिए या फिर मेरा जीने का अंदाज समझिए। तो आ जाइए हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने, अभी तो हमने लिया है सारा ब्रेकफास्ट। और मैंने आज आपको बताया था आज मुझे इंडियन खाने का बहुत मन है, तो जैसे पराठे, सब्जी एंड उसके साथ में मैं आपको मेरी साउथ इंडियन तो मैं कभी नहीं भूलती, जहाँ भी मुझे दिखता है इडली एंड सांभर। बाकी सब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये स्पेशल चीज़ें ना जो मैं आपको वहाँ भी दिखते रहती हूँ। तो चाय के साथ गुड मॉर्निंग, मेरा हो गया ब्रेकफास्ट। अब मैं जा रही हूँ रूम पे और जुम्मा है तो मुझे थोड़ा शॉपिंग करके हो गई है पोस्टपोन, क्योंकि जुम्मा के बाद ही मिलने वाला है। अगर टाइम रहा तो थोड़ा सा शॉपिंग करूँगी, नहीं तो फिर दिख ही जाएगा ब्लॉग में कहाँ रहूँगी मैं। थोड़ा सा बाहर मैं अलग हो गया आपसे। थोड़ा सा बाहर देख लेते, क्योंकि मेरा लास्ट दुबई का आज नज़ारा है और दुबई की सुबह है, तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से आँखों में बसा कर जाऊँ। पर बोलते हैं ना कि जो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ होती भी है, जो नहीं सोचते वो हो जाती है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं फिर से आऊँगी, मैंने ये सोचा था कि बच्चों को भी भूलूँगी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बच्चों के साथ बुला लिया। तो पता नहीं अब सोच कर तो नहीं जा रही, ठीक है आँखों में बसा कर जा रही हूँ। बहुत गर्मी है, चलो अंदर ही जाते हैं। चलो अंदर जाते हैं, देखो कितना मस्त लग रहा है। देखो बाय दुबई अभी नहीं बाय बाय करेंगे और अंदर चलते बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं सोची थोड़े से बाहर खड़ी होकर खड़ा नहीं हो पा रही थी तो चलिए फिर यहाँ से चलते रूम में और थोड़ी सी पैकिंग वैकिंग तो कर लूँ। जुम्मा है तो क्या होगा, पैकिंग वगैरह तो ज़रूरी है निकलने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या करना है। बहुत अच्छा लग रहा है, अरबी लुक, ब्लैक कलर अच्छा। ओके अल्लाह हाफिज। वाइट भी एक बार देखो मम्मा, मुझे दिखाओ पहले, फिर मैं सिलेक्ट करूँगी। ये तो मुझे अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि सब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते कि वाइट कलर आप पे बहुत अच्छा लगता है, और मेरा दिल भी वाइट कलर पे ही है, लेकिन थोड़ा सा ये झगमग वाला है। मैं थोड़ा झगमग कम पहनती हूँ, और पहनती भी हूँ तो बहुत डिसेंट पहनती हूँ। अब देखती हूँ, अगर इसमें देखूंगी अच्छा लगेगा तो ले लूंगी। व्हाइट वाला ही लिया मैंने, आई मीन बोला ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा था मम्मा, मैंने बोला व्हाइट चाहिए मुझे, तो बोला ले लो फिर, तो मैंने ले लिया व्हाइट वाला। बहुत सारे अब आए थे पर ये बहुत अच्छा लगा मुझे। देखो ये गाउन भी अच्छा लग रहा है आपके, तो हर बार दुबई आके गाउन 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 ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये कलर रेड रेड और नहीं रेड नहीं रख दिया मैंने रेड, ये वाला अच्छा, ये वाला ये नहीं चाहिए और ले लिया। कलर अच्छा लग रहा है मेरे पर, अच्छा लग रहा। दोनों कलर बहुत अच्छे हैं, ब्लू और ये है ना, पैक करवा दो दोनों भी। चीजों पे मेरी जान जाती, ध्यान जाता है हमेशा, जो सस्ती चीज पे ध्यान नहीं जाता। आप क्वालिटी टेस्ट करें ना, आपको मालूम है हर चीज का। ये वाले बदाम अच्छे हैं, ये रॉयल है, एक दर्जन 540 बोला उसे कम दिया जाएगा। कैसे दे रहे को बोलो, ये मैडम 110 ये काबिलियत है, टेस्ट करें कैसा है। इधर बताओ, नो है सॉरी, वो कितना बोला आपने 110 और ये वाले ये 140 130 आपको 140 बोला।
कौन सा अच्छा है मम्मी सबसे? ये दोनों जो मैं टेस्ट करी सब बेस्ट है। ज्यादा अच्छे ना पकड़ में, कहीं भी जाओ तो गाड़ी में रखो, ज्यादा टेंशन फ्री है। गोल्ड के नाम से तो मम्मी की पहचान है। मेरी पहचान गोल्ड के नाम से, गोल्ड लेडी। बताओ मम्मी, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए भाई, जैसे आपको देख रहे दिख ही रहा होगा कि मैं हो गई हूँ तैयार और मैं निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए। और मैं आपको बता रही थी कि कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो वो मैं एयरपोर्ट पहुँच के फिर इत्मीनान से आपसे बात वो बताऊंगी। फिलहाल ये बता रही थी, ये देखिए मेरा ब्रेसलेट, और जैसे बहुत फेमस है मेरे आई लॉकेट जैसे मैं पहनती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ब्रेसलेट में भी एक लॉकेट लटकाई थी, तो मेरा लॉकेट गिर गया है दुबई में। और उसी के साथ मेरी एक इयररिंग जो यहाँ पे 4 थे, तो ये 3 हो गए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो दुबई से लोग सोना खरीद के लेके जाते हैं और मैं दुबई में सोना देख कर जा रही हूँ, है ना। तो इसमें कोई मतलब नाराज होने वाली बात नहीं, चला गया जो हमारे नसीब का नहीं था वो चला गया। और कहते हैं ना कि ये सब चीजें जाने से होता है कि हमारी बलाएं भी चली जाती है। अब हो सकता है कि मेरे बच्चों की मेरी बलाएं सब यहाँ छूट गई, और यहाँ से जाने के बाद पता नहीं अल्लाह कौन से मकाम पर मुझे लेके जाने वाले। तो फिलहाल मेरी यहाँ से है रवानगी, और इंशाल्लाह एयरपोर्ट पहुँच के या फिर रास्ते में फिर या कहीं पे भी कुछ भी अच्छा लगा तो करूँगी शूट, क्योंकि मुझे बहुत शूट करना और सारी जगहों को कैप्चर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक अलग बात है कि अल्लाह ने मौका दे दिया और उसको मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करते रहती हूँ। चलिए भाई, फाइनली मेरा सामान लगेज चला गया नीचे, और मैं भी मेरा खुद का लगेज लेके निकली हूँ। और ये मेरे बेटे ने इतने प्यार से मुझे तोहफा दिया था, लेकिन अब तक यूज ही नहीं हुआ है। फ्लाइट इतनी अच्छी उन्होंने करवाई थी, इतना कंफर्टेबल था सारी चीजें माशाल्लाह, पर सुकून नहीं था ना, मैं नहीं था आपके साथ। नहीं 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 नहीं, नहीं आपने मुझे बोला था ना कि मम्मा हर चीज एंजॉय करना, तो आपके कहा, मैंने क्या कहा कि तोहफा कोई देने वाला दे देता है, उसकी अहमियत होती है, और कोई लफ्ज किसी को अगर बोलते है तो उस लफ्ज की अहमियत रखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह चलिए अब हम निकल रहे हैं, सामान हमारा चला गया, टैक्सी का बस इंतजार होगा या आ चुकी है पता नहीं, नीचे जाने के बाद आपको बताते हैं। मम्मी कैसे लग रहे एकदम मस्त? हाँ, लग रहे ना आज, बहुत अच्छे लग रहे मेरे को भी। फिर आके जाके अपनी वही जिंदगी फिर से, बस ये कुछ पल होते हैं जो हमेशा जिंदगी आगे बढ़ जाती है, पर ये जो पल होते हैं ना हमेशा हमारे ख्यालों में रहते हैं। फिर से उसको मटन ही चाहिए, तरी वाला मटन चाहिए, अमीन खाता सारे मुस्लिम खाने, मैं और मेरा अमीन तो सब इंग्लिश खाने चाहिए हम लोगों को। तो हम लोगों का लंच आज बिल्कुल पाकिस्तानी लंच, और इंडियन के साथ तड़के के साथ, जैसे इंडियन तड़का मतलब कढ़ाई, हमारी इंडियन कढ़ाई पहचान, तो इसके साथ में हमारा लंच हो रहा है। और इसके बाद में फिर हम निकलेंगे बाहर, देखते फिर कहाँ निकलेंगे क्या है बताती रहूँगी आपको, इंशाल्लाह आ जाएंगे बिस्मिल्लाह करने के लिए। चलिए, हमारी तो टैक्सी भी बहुत मुश्किल से मिली है, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, पाकिस्तानी भाई है, इतना अच्छा लगा इनसे, और इनको भी अच्छा लगा, ये खुशी और हंसी फैमिली जब मिलती है तो कहते दिल बहुत खुश होता है। और हम निकलते निकलते भी आज पाकिस्तानी खाना खाया, बहुत बहुत मतलब खुशी खुशी निकले हैं। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ खैर खैरियत से घर पहुँच जाए, तो अल्लाह का करोड़ों एहसान होगा, बस यही दिल से दुआ है। जो फैमिली मुझे देखती है अल्लाह सबको ये मौका दे। डिपार्चर कर रहे थे तब देखा कि टिकट ही नहीं दिखा रही है, क्योंकि मॉर्निंग में हमने भी टिकट नहीं, और टिकट ऑलरेडी मैंने कर ली थी, फिर यहाँ साइलेंट से कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि हम कर रहे थे, मैंने बोला मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो बोले आप वेट करना चाहिए था, कोई बात नहीं। और यहाँ एयरपोर्ट आने का फिर जो उसका एयरपोर्ट दूसरा है, हमारा दूसरा है, हमारी लास्ट की फ्लाइट है, उसके अभी 3 घंटे बाद की फ्लाइट है, तो अभी टैक्सी करके फिर दूसरे फ्लाइट पर दूसरे एयरपोर्ट पर जा रहा है। बस अल्लाह रहम करे और मेरा बच्चा सही सलामत पहुँचे, उसके बाद हम भी सही सलामत पहुँचे। भाई जा रहा है उसको गेट पे छोड़ने, अब ये छोड़ के फिर मेरे को आएगा अली लेने के लिए, मतलब अली और मेरी साथ फ्लाइट है, अमीन की अलग हो गई है, पता नहीं क्यों अल्लाह बार बार हम दोनों को अलग कर रहे हैं, अल्लाह जाने। चलिए, अमीन की फ़्लाइट तो जा चुकी है, हम लोग कब से यहाँ वेट कर रहे हैं, बिकॉज अब हमारी लेट है फ्लाइट, एंड मैं काफ़ी बोर हो गई थी, तो अली ला कर पिलाया चाय,
क्योंकि उसको पता है कि चाय पियेंगे तो मम्मी का दिमाग एकदम हो जाएगा फ्रेश। तो मैंने अभी जस्ट चाय पी, पर ये मशीन वाली चाय है इतनी मज़ा नहीं आती, पर ठीक है कुछ तो राहत मिली। और माशाल्लाह अब हमारा भी थोड़ा टाइम नज़दीक आ गया है, अब हम जाएंगे सारे सामान वगैरह सब सारी वहाँ पे चाय शुरू करेंगे इसका प्रोसेस। तो उसके पहले मैंने बोला कि चलिए थोड़ा सा आप लोगों से कनेक्ट कर लूँ। कैसा होता है ना कि ज़िंदगी में जो हमारे रहते हैं अगर वो थोड़ी देर के लिए भी ओझल हो जाते तो ये ज़िंदगी जैसे एकदम उदास ही हो जाती है। आते समय भी जब अमीन हमारा वहाँ छूट गया था तो बिल्कुल मैं और अली एकदम जैसे ऐसा लग रहा था कि हमारा सब कुछ छूट गया वहाँ। और अभी भी ऐसे ही हो गया जब अली ने अमीन को छोड़ कर आया गेट तक, तो है ना अली, अमीन को छोड़ कर आया तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल हमारी ज़िंदगी खाली हो गई हो। ऐसा ही होता है जो हम जिससे प्यार करते हैं, जिनकी अहमियत करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में जगह रहती है ना, तो वो थोड़ी देर के लिए भी दूर होते तो बहुत ज़िंदगी खाली हो जाती है। पर ये भी बात सच है कि ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, बस चाहे उसको मिठास से हो चाहे कड़वाहट से हो उसको लेके आगे बढ़ना ही रहता है। तो बस कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर की बात है, यहाँ से हम जाएंगे फिर मेरे बच्चे से मिल लूँगी इंशाल्लाह। तो अभी हम भी तैयारी करते हैं, हमारा भी सारा सामान सब अंदर करना है ना। तो ये अब सब जिम्मेदारी अली उठाने वाला है, क्योंकि जो जिम्मेदारी उठाने की सारी जो पीड़ा रहती है वो अली अमीन की रहती है। तो वो भाई साहब कन्नी काट गए, पतली गली से निकल गए, तो चलो अच्छी बात है, क्या पता अल्लाह यही सब चीज़ों से अली को सब सिखा रहे, क्योंकि अली ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहता है। तो अल्लाह जानबूझ के उसके सर पे ये सब बोझ डाल रहे कि अब तुम ही संभालना है, तुम बड़े हो संभालो। तो देखो कैसे जब सर पे पड़ती है तो अपने आप हर चीज़ संभल जाती है ना। तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ये मौका अली को दे रहे, अली बस समझना चाहिए कि ये मौके की अहमियत क्या है। तो चलिए फिर थोड़ी देर में वापस देखती हूँ क्या क्या है, पहले थोड़ा सा अपना प्रोसेस पूरा कर लूँ। चलिए भाई सामान हमारा पहुंच चुका है, अब हम दोनों माँ बेटा आराम से निकले मुंबई जाने के लिए। और मुझे बोला आराम से चलो, बहुत सारा वक्त है, इतने भागो मत, कितनी गोरी लग रही हूँ ना अली। मैचिंग हाँ अभी उसको याद है, बोलता अरे मम्मी अपन ने मैचिंग पहनी है, और आज जुम्मा था, आपको पता है बॉम्बे रहते हैं तो माशाल्लाह ये कुर्ता पैजामा और मैं वाइट वाले कपड़े रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ भी वाइट ही पहनने मिला है और मेरा बेटा भी वाइट ही पहना है। और चलिए फिर माशाल्लाह हमारा सामान वगैरह तो अंदर चला गया, अब जाएंगे फिर से अली मुझे चाय पिलाने वाला है ना अली। हाँ। कब से इंसिस्ट कर रहा हूँ चाय ला के दूँगे वापस, तो मैंने बोला पहले सामान डाल दें फिर चाय पीते। और हमारा छोटा वाला तो उस्ताद पहुँच भी गया होगा ना, पहुँच गया होगा हमारा छोटा उस्ताद। चलो अभी देखते हैं क्या कर रहे होंगे साहबजादे वहाँ जाने के बाद। और माशाल्लाह अली को और मेरे को साथ बिताने के लिए वक्त काफी सारा मिल गया ना अली। भाई मेट्रो में भी आए हम, मैंने थोड़ा सा वीडियो ली बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो मैंने बोला कि थोड़ा सा वीडियो ही ले लेती हूँ। अब अमीन भाई की पता नहीं क्या म्यूज़िक डालेंगे उसमें, बट कोशिश तो की हूँ थोड़ी सी लेने की मैं। चलो अभी हमारा सारा लगेज अंदर चला गया, हम लोग आ भी गए हमारे गेट पे। तो मैंने अमीन अली को बोला कि कुछ खाते और चाय पीते, तो अभी सिलेक्ट कर रही हूँ क्या खाऊँ, मुझे ऐसे यहाँ की काफ़ी चीज़ें पसंद है एयरपोर्ट की, तो देखती हूँ हमारा मेन जो हमारा मेन खिलाने वाला चॉइस करने वाला हमें छोड़ के जा चुका है, वो पहुँच गया है। हाँ तो चलो फिर अच्छी बात है, अल्लाह ने अमी अली को मौका दिया, वो बोल भी रहा है लाओ मम्मी करता हूँ थोड़ा कोशिश तो करूँ, देखती हूँ क्या लेती हूँ क्या करती हूँ, थोड़ा तो खाऊंगी क्योंकि फ्लाइट में भी हमारा डिनर तो है। ये क्या है? सैलड है। कितने सैलड खाया तूने? मैं इतने सैलड खाया हूँ मम्मी के, बस मेरे पत्ते ही पत्ते खाया हूँ मैं यहाँ पे। मुझे पीना था चाय और अली लेके आया है मिरिंडा पेप्सी और पानी और पूरा बॉक्स केएफसी का, और इस पता नहीं क्या लेकर आया पर चाय नहीं लेकर आया। तो अगेन मेरे बेटे की याद ज़्यादा आ गई, मम्मी बॉय, पता है ना आप सबको मम्मी बॉय कौन है। कोई बात नहीं, अभी उसका कॉल आया, बहुत मुंबई में बारिश है तो वो माशाल्लाह एयरपोर्ट उतर चुका है और बाहर निकल चुका है। उसने बोला बहुत बारिश है यहाँ पे आधा घंटा, तो हम लोगों को फ्लाइट लेट हुई क्योंकि रनवे को सिग्नल नहीं मिल रहा था। तो माशाल्लाह मेरा बेटा पहुँच चुका है। चलिए भाई फाइनली हम जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर, और माशाल्लाह बस बहुत सब्र और बहुत वेट के बाद ये टाइम, और अभी भी हम हमारी फ्लाइट मिस कर देते बिकॉज
गेट नंबर चेंज हो गया हमको पता ही नहीं था, अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ, अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जस्ट मैंने बोला यहाँ क्राउड नहीं दिख रहा है और पहले मैसेज आ चुका था कि 30 मिनट्स लेट हुई है, तो उसके बाद भी मुझे कोई क्राउड दिख नहीं रहा था, तो मैंने अली को पूछा, अली कोई क्राउड नहीं है, जस्ट मैंने बोला और विदिन 5 मिनट्स में हम भागते 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 आए और फाइनली हम फ्लाइट में जा ही रहे हैं। चलिए फाइनली हम आ गए फ्लाइट में और बैठ रहे सीट पे और इंशाल्लाह अब सीधा इंडिया उतरने के बाद मतलब मुंबई उतरने के बाद ही आपसे मुलाकात होगी, और जब तक के लिए आप बोल सकते हो ये देखने के बाद कि बस अल्लाह सबकी खैर करे। फ्लाइट लेट होने की वजह से इतना लेट हो गया, देखो सुबह हो गई अब तक घर नहीं पहुंची हूँ और बस टैक्सी में हूँ, जस्ट पहुँचने ही वाली हूँ घर, और मैंने सोचा था कि जल्दी पहुंचूंगी पर पूरी उजाला भी हो गया है और सारा दिन भी शुरू हो गया है, तो चलो अभी क्या, मैं तो सोची थी जाके थोड़ा लेटूंगी, लेकिन अब क्या, अब तो घर के काम में और दूसरे सब काम जो छोड़ कर गई थी अब वो सब कामों में लग जाऊंगी, अब पता नहीं चलेगा कि सोऊंगी या नहीं सोऊंगी, कुछ पता नहीं है मुझे, बस जल्दी से जल्दी पहले पहुंचू घर। सोसाइटी भी पहुंच गई और बिल्डिंग में भी पहुंच गई और पता चला 2 दिन हो गया लिफ्ट बंद है, अब मैं रहती हूँ 5 माले पे, तो बस जा रही हूँ, पहला माला तक तो चढ़ गई हूँ और इतने मस्त खुशी खुशी आई थी, लेकिन मेरी टाइट टाइट फिश हो गई क्योंकि पहला माला अब चढ़ी हूँ, अब 5 माले पे चढ़ना है, सामान तो मैंने छोड़ दिया, अली बोला आप जाओ मैं सामान नीचे से लेकर आता हूँ किसी को लेके साथ में, तो चलो अब मैं चढ़ रही हूँ, घर पहुँच के फिर देखते हैं, हिम्मत रहती है कि नहीं आपसे बात करने के लिए।